सिंह राशि वालों की इच्छाएं बहुत हैं पर इच्छाएं परवान नहीं चढ़ रही। किसी प्यार के रिश्ते में दुविधाएं हो सकती हैं, पर किसी रिश्ते को समाज से छुपकर चलाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए संबंध में? आपकी कोशिशों में कमी नजर आ रही है, मन परेशान है, इसलिए आपकी कोशिशें भी बिखरी पड़ी हैं और आपसे कोई ना कोई गलती भी हो सकती है जिसे बचा लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके कामकाज की स्थिति को कमजोर करता चला जाए। अपने व्यवहार की वजह से आप अपने बॉस को भी कहीं नाराज ना करते चले जाएं। कई तरह की मुश्किलें हैं और बार बार उभर रही हैं। काम में प्रदर्शन कम होगा तो काम में अस्थिरता आती चली जाएगी और फिर चुनौतियों को संभालना कठिन होता चला जाएगा, इसलिए अभी से बहुत कुछ संभाल लेने की जरूरत है। आपकी अपनी लापरवाही की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। रोजमर्रा के रूप में जिंदगी का अनुशासन बनाएंगे तभी जाकर हालात संभलेंगे। उसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं का सही रूप से आंकलन करना होगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई प्यार का रिश्ता इस समय की प्राथमिकता नहीं है। कन्या राशि वाले कोई निवेश करना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद या मकान आदि बनाना चाह रहे हैं, जिसमें आपको अपनों का सहयोग भी मिल सकता है, पर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। क्या करना चाहिए इस समय? आप अपनी समृद्धि को लेकर असंतुष्ट हैं, पर अगर अपनी घबराहट हटा दी जाए तो किसी भी स्थिति का आंकलन सही रूप से किया जा सकता है। भ्रम में रहने से सच्चाई पर पर्दा सा पड़ जाता है। क्या ना करें इस समय में? असंतुष्ट रहने से आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए गलती ना करें। खुद अपना ही नुकसान कर लेना इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। रिश्तों की अच्छाई कुछ इस रूप से बन रही है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, पर ऐसा करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा और जो दूरियां बन गई हैं उन्हें नजदीकियों में बदलने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा और इस प्रयास का सही फल पाने के लिए वक्त भी लगेगा। प्यार से जुड़ी इच्छाएं भी हैं और उतार चढ़ाव भी है, और आपने अपनी कोशिशों से अपनों को सहमत भी कर लिया है, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी है जो रुकावटें ही दिखा रही। तो जिंदगी है तो रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन कोई भी रुकावट आपके दिन का रास्ता ना रोक पाए, इसके लिए राजबल हर रोज सुबह 7:55 पर आपका हम सफर बनने आ रहा है और आता रहेगा। तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी, यकीन मानिए और बस इस रिश्ते को निभाते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम सवाल के साथ। सवाल है अशोक भारद्वाज के लिए। अशोक भारद्वाज, डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1988, 2:16 AM, आधी रात, मध्य रात्रि इनका जन्म हुआ है, सिएटल। इनका तलाक हो गया था सर, ये परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है, और फैमिली इनके दूसरे रिश्ते के लिए 3 साल से कोशिश कर रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। तो कब तक फिर से ये शादीशुदा जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? आपने अपने बेटे अशोक के बारे में पूछा जी। अशोक की कुंडली है जी कन्या लग्न की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की 2023 तक, और उसके बाद महादशा बदलेगी और शनि की महादशा शुरू होगी 19 वर्ष के लिए। देखिए, दूसरी शादी का आपने सवाल पूछा, 3 साल पहले आपने कहा डाइवोर्स हो गया। अभी का समय दूसरी शादी के लिए अनुकूल बना हुआ नहीं, इस बात को समझ लीजिए। अभी अच्छा समय नहीं है, अभी उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, यह स्पष्ट इशारा। अगस्त 2023 से जब महादशा बदलेगी उसके बाद वो अच्छा समय बनेगा, और उसके बाद इमिजिएटली एक अच्छा समय आएगा जी अक्टूबर नवंबर 2023 में, जब दूसरी शादी हो सकती है। और थोड़ा सा और आगे चल के देखूँ तो फिर ऐसा ही समय फिर काफ़ी देरी के बाद आएगा, वो है मई जून 2026 में। तो अब कोशिश क्या करनी है कि उस देरी को बचाने के लिए अक्टूबर नवंबर 2023 में, जो अब से 1.25 साल के बाद जो समय आ रहा है, उसी के लिए प्रयास करना है, उसी को टारगेट बना लेना है कि वहाँ पर अशोक की शादी हो जाए। तो देरी हो ही इसलिए रही है क्योंकि सही समय नहीं आया उनकी शादी का। सही समय आ रहा है अगस्त 23 के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर 2023, उसके बाद फिर मई जून 2026। इसलिए बेहतर है कि अब से 1.5 साल बाद करीब अक्टूबर नवंबर 2023 में जो अच्छा समय आ रहा है रिश्ते का, वहीं पर कोई अच्छा रिश्ता आएगा। पूरी नज़र रखिएगा, पूरे मन से वक्त निकालिएगा, वहाँ पर बात तय करके ज़िंदगी को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का एक सुंदर समय आ रहा है उनके जीवन में।
आगे बढ़ते हैं सर, और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि समय कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है आपके लिए। तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको हर परिस्थिति में मुकद्दर का सिकंदर बनना है और उसके लिए कर्मों पर भरोसा करना है। कैसे बताएंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले समझ लें कि कोशिशों का फल तभी मिलता है जब वो कोशिशें सही दिशा में लगी हुई हो, पर इस समय आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद आपके कामकाज के क्षेत्र में बहुत दबाव है, जबकि सच्चाई है कि आपका समर्पण अच्छा है, फिर भी लोग आपसे खुश नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति अपने मन को साफ कर लें और उस अच्छाई की ओर देखें जो समर्पण के रूप में काम के प्रति बना हुआ है। थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई भी ऐसा सख्त रवैया ना अपनाएं जो झगड़े की स्थिति बनाता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को कहीं फंसाते चले जाना या उसके चलते अपना नुकसान करते चले जाना ये ठीक नहीं है। रिश्तों का सुख बना हुआ है और उसे और बढ़ाया जा सकता है। अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना होगा और खासकर अपने जीवन साथी के बदलते हुए विचारों पर नजर भी रखनी होगी। खाने पीने की आदतों में लापरवाही नजर आ रही, वैसे भी कामकाज की व्यस्तता के चलते आप सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। अगर आपको डायबिटीज इत्यादि की शिकायत है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को पढ़ाई भी करनी है और तैयारी भी करनी है। अगर किसी इंटरव्यू का सामना करना है तो अपने मन में बिठाई हुई उलझनों को भी दूर करना है, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान के विचारों को लेकर आप चिंतित हैं, पर दूर स्थान के विकल्प आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इसी अच्छाई के चलते जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाने की जरूरत है। परेशानियां बने रहना स्वाभाविक सी बात है। अगर परेशानियों से छुटकारा पाना है तो अपनी विनम्रता को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे किए गए फैसले आपके कामकाज पर बुरा असर डाल सकते हैं। कुंडली से बनता हुआ बचाव अपनी जगह है, पर जल्दबाजी में गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता अपनी अच्छाई दिखा रहा है, पर आपको चिंता यह है कि क्या आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। फिलहाल आप अपनी इच्छाओं को थाम लें तो उस रिश्ते को बनाए रखने में बहुत सुख है। घर परिवार के रिश्ते इसलिए सुखद हैं क्योंकि आपके विचार बहुत प्रैक्टिकल हैं। अपनों के प्रति आपकी लगन और मेहनत नजर आ रही है। कामकाज के प्रति आपका समर्पण है, पर कमी यह है कि आपका व्यवहार बहुत सख्त हो रहा है, जिसके चलते अच्छे भले पारिवारिक रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। इस चीज को समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। तो कभी कभी वाकई हमारा व्यवहार इतना रूखा इतना सख्त हो जाता है कि हम अच्छे भले रिश्तों को गंवा बैठते हैं, अपनों को अपने से दूर कर देते हैं। थोड़ा सा एक प्यारा सा रवैया, एक प्यारा सा व्यवहार अपना रखिए, देखिए कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे हम।